सिचुएशन पूरी कंट्रोल कर लिए, मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं। में आओगे हम इंशाल्लाह अमन की तालीमात आम करेंगे। हम जानते हैं आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपनी बात बोल सकते हैं, बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। अमन वाली बात ही बोलते हैं, सलामती वाली बात ही बोलते हैं। नॉन मुस्लिम से भी मैं कहूंगा कि अहलुस सुन्ना वल जमात दहशतगर्द नहीं, अहलुल हदीस जमात दहशतगर्द नहीं। दहशतगर्द तो वो होते हैं जो सहाबा के तालीमात से हटे हुए हैं, सहाबा कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल किए। जो सहाबा के रास्ते से हट जाएगा वो गुमराह हो जाएगा। मैं बार बार यही कहूंगा कि जिन जालिमों पर एफआईआर दर्ज हुआ है मीर चौक पुलिस स्टेशन में, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी इंशाल्लाह अरेस्ट होंगे और वो भी इंशाल्लाह जेल को जाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह से हम दुआ करेंगे। और अहले सुन्नत वल जमात का कोई अपने आप को कहता है वो सुन्नी मुसलमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन पर सहाबा की सच्ची मोहब्बत करने के लिए गुस्ताख है सहाबा के खिलाफ में अपनी मस्जिदों में अजमत सहाबा उनवान पर बयान करते रहो, हर हफ्ता बयान करो, क्योंकि सहाबा तमाम हदीसों को नबी की पहुंचाए हैं। हदीस बयान करेंगे सहाबी का नाम आएगा, क्योंकि रिवायत सहाबी से होती हदीस। इंशाल्लाह 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 इंकलाब आएगा सहाबा के अकीदे।